नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मेहमान। मैं हूं गोपाल गुप्ता। खास मेहमान में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के दीक्षित जी, जो कि अध्यक्ष हैं बाल कल्याण समिति जिला ग्वालियर के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कई काम कर रहे हैं, बेटी रक्षा मंच के संरक्षक हैं, और बेटियों के लिए जो काम हो रहे हैं, जो काम होने चाहिए, उनके लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं दीक्षित जी। कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दीक्षित जी, पहले तो आपका स्वागत है खास मेहमान में। जी नमस्कार। दीक्षित जी, बाल कल्याण समिति जिला ग्वालियर के आप अध्यक्ष हैं, बच्चों के लिए क्या अधिकार हैं, और उन अधिकारों को अगर संक्षिप्त में परिभाषित किया जाए तो किस तरह से आप करेंगे? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये समझना चाहिए कि बच्चा कौन। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बच्चे को डिफाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है उसे बच्चा कहते हैं। और जब बच्चा की बात करते हैं तो बच्चों के अधिकार की बात बहुत अच्छी बात है, हमें करना चाहिए और समझना भी चाहिए। बच्चों के भी वो सभी अधिकार होते हैं जो एक बड़े के अधिकार होते हैं, और हमारे सभी अधिकार बच्चों को समान रूप से मिलना चाहिए। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि बच्चों के लिए जो अधिकार हैं, तो सबसे पहला है जीवन जीने का अधिकार, पहला अधिकार है, और दूसरा अधिकार है उनके विकास का अधिकार। विकास में उनके सब तरह के विकास होते हैं, उनका शारीरिक विकास है, उनका बौद्धिक विकास है, उनका मानसिक विकास है, ये सभी उसमें शामिल होते हैं, उनका विकास होता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो उनके लिए है कि सहभागिता का अधिकार, कि उनको कार्यों में सहभागिता का अधिकार मिलना चाहिए। सामान्यतः समाज में ये अधिकार बच्चों को नहीं दिया जाता है, ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि अभी आप छोटे हैं, अभी आप समझते नहीं हैं, बड़े होंगे समझेंगे तब आप हमारे साथ सहभागिता करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अधिकार है। दीक्षित जी, आपसे जानना चाहेंगे, चाहे हम प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तमाम घोषणाएं होती हैं, बेटी को सुरक्षित रखने के लिए तमाम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो बहुत ज़्यादा सुधार प्रतीत नहीं होता है। तो इसके क्या कारण हैं और क्या किया जाना चाहिए ताकि बेटियों के जीवन स्तर में सुधार आ सके और स्पेशली बेटियां किसी को बोझ ना लग सके? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके दो हिस्से हैं। एक सामाजिक दृष्टि से ये है कि हम सबको इसके लिए जागरूक होना होगा। जो लोग बेटियों के हित के कार्य कर रहे हैं वो जागरूक हैं और समाज में लगातार कार्य कर रहे हैं। समाज को भी उस जागरूकता में सहभागिता देनी होगी। जब तक समाज सहभागिता नहीं देगा, उनमें सेंसिटिविटी डेवलप्ड नहीं होगी, तो ये जो जेंडर बेस्ड बायस है, जो हम कहते हैं कि लिंग आधारित भेदभाव है, वो बना रहता है। तो एक पक्ष इसमें यह है कि समाज को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बेटा और बेटी के एक समान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ बायोलॉजिकल भेदभाव है जो जन्म के समय है, एक लड़का है और एक लड़की है, बाकी सारे जो भेदभाव हैं वो समाज के द्वारा किए गए हैं। दूसरी बात जो है कि जो बेटियों को बचाने के लिए या उनको परवरिश देने के लिए, अच्छी परवरिश देने के लिए या बराबर का अधिकार देने के लिए जो कानून बने हैं, तो उन कानून का पालन करना और कराना, पालन कराना प्रशासन का काम है और पालन करना हर नागरिक का काम है। तो समाज अगर उसमें भी सहभागिता करेगा, उस कानून को पालन कराने में सहभागिता करेगा, तो निश्चित ही कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और बेटियां और बेटों में फिर बराबरी का दर्जा हमें देखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा, और हम उसको महसूस भी कर पाएंगे। अगर हम सेक्स रेशो, लिंगानुपात पर नज़र डालें, तो हम कह सकते हैं कि ग्वालियर हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ है इस मामले में। ग्वालियर और मुरैना दो जिले ऐसे जिले हैं जो पूरे देश में लिंगानुपात में सबसे कम हैं और पूरे देश की निगाह इन पर है। तो क्या सोचते हैं आप इस बारे में, कैसे इसको सुधारा जा सकता है?
ये बात सही है कि पूरे हिंदुस्तान के आंकड़ों को अगर देखते हैं, फिर हम अपने प्रदेश में आते हैं, तो प्रदेश में 51 जिलों में की अगर बात करते हैं, तो ये वास्तव में सच है कि मुरैना जिला जो है चाइल्ड सेक्स रेशो में सबसे नीचे आता है, और उसके बाद जो हमारा जिला है ग्वालियर, वो आता है। ये वास्तविक स्थिति है, सभी लोग मिलकर इसके सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं, उन्होंने कार्यक्रम बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने भी कार्यक्रम बनाया था, और वो जारी है बेटी बचाओ, और समाज की उसमें सहभागिता बढ़ी है। और अभी वर्तमान में जो हमारे पास डाटा आ रहे हैं, जो HIMS कहलाता है, उनके डाटा जो आ रहे हैं, उसमें बदलाव दिख रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो ऑथेंटिक डाटा माना जाता है, वो सेंसस को माना जाता है, और जो पिछला सेंसस हुआ है 2011 में, वहां तक हमने देखा कि आजादी के बाद से लगातार लिंग अनुपात जो है, चाइल्ड सेक्स रेशो लगातार गिर रहा है। इस बार हमें उम्मीद है कि उसमें सुधार होने की संभावना है, लेकिन ये आंकड़े 2021 में हमारे सामने होंगे, और तभी हमें एकदम वास्तविक स्थिति का स्पष्ट हम लोगों के सामने आएगी। आप बेटी रक्षा मंच इसके संरक्षक भी हैं, जो बेटियों के हितों के लिए कार्य करती है संस्था, और हम देखते रहते हैं कि शहर में समय समय पर कई सारे आप जागरूकता वाले कार्यक्रम भी चलाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि हमारा जो क्षेत्र है, ज़्यादातर स्थितियाँ खराब मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं, वहाँ पर क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे लोगों की मानसिकता में बदलाव हो, वो बेटा और बेटी के अंतर को न समझें, और जिस तरह से बेटों की परवरिश करते हैं, लालन पालन करते हैं, उसी तरह से बेटियों का करें, और खासकर गर्भ में ही जो बेटियों की हत्या कर दी जाती है, उस पाप को करने से वो बचें, इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर? गोपाल जी, जो आपने कहा कि ये सोच का मुद्दा है, सामाजिक सोच, जब सामाजिक सोच बदलने की बात आती है, तो हर क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता होती है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, क्योंकि आज मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम एक ब्लड के ड्रॉप से भी हम पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा भी हम पता चला सकते हैं कि वो गर्भ में पलने वाला लड़का है या लड़का होगी लड़की होगी। ये सारे क्षेत्र मिलकर जब हम एक साथ कार्य करेंगे, सारे क्षेत्रों के लोग मिलकर जब एक साथ कार्य करेंगे, तब हमारे सोच में बदलाव आएगा। दूसरी बात, आपने जो कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी सोच है, लेकिन जो आंकड़े पब्लिश्ड होते हैं, चाहे वो सेंसस में हों चाहे HIMS के हों, वो ये बताते हैं कि ये बेटियों की संख्या, लिंग अनुपात की बात करें, चाहे जन्म के समय लिंग अनुपात करें, चाहे चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, हमने ये देखा है, आंकड़े बताते हैं, आंकड़े हमें इस तरह पूरा स्पष्ट इशारा करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बेटों की तुलना में बेटियां बेटियां कम जन्म ले रही हैं, और जो संपन्न क्षेत्र हैं, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वहाँ ऐसा देखने में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से हैं और वो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके ऐसी चीज़ों का पता लगा के कि कहाँ इस लिंग चयन हो सकता है, लिंग चयन करा लेते हैं और अपने हिसाब से उसका भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक जो शहरी क्षेत्र का नागरिक है, वो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा माना जाता है, तो पढ़े लिखे लोग भी जो सब कुछ जानते हैं, वो भी इस तरह के कार्य में लिप्त हैं। बिल्कुल, डाटा जो हमारे पास आते हैं, वो ये पूरा इंडिकेट करते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चियों की संख्या कम हो रही है, वो उन क्षेत्रों में हो रही है जो संपन्न लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, उन लोगों के यहाँ आप देखेंगे तो लड़का और लड़कियों का जो रेशियो है, वो दिन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। बिल्कुल, अभी जैसा आपने बताया कि वर्तमान टेक्नोलॉजी के इस दौर में सोनोग्राफी से भी पता चल सकता है, ब्लड की एक बूंद से ये पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़का है या लड़की है, तो ये अगर कोई करता है, तमाम तरह की रोक लगी हैं इन पर, सजा के प्रावधान भी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ हो रहा है, तो इसमें आपकी संस्था बेटी रक्षा मंच या
बाल कल्याण समिति, इसमें क्या क्या कार्य कर रही है? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है कि देश में ये सब हो रहा है, इसलिए ये डाटा जब भी हमारे पास आंकड़े पब्लिश होते हैं तो नीचे गिरते हुए आ रहे हैं, और ये पूरे देश की चिंता का विषय है। इसीलिए कानून बना है PCPNDT एक्ट। PCPNDT एक्ट हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 है, और नियम 1996 में बने। कानून बनने के बाद इन सब जो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है उस क्षेत्र में, लोग जो मानसिकता रखते हैं बेटियों को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। बेटी रक्षा मंच इस कानून का प्रचार प्रसार करने में समय समय पर महाविद्यालयों में जाकर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जाकर प्रचार प्रसार करता है, रैली के द्वारा प्रचार प्रसार करता है, कई सम्मान समारोह के द्वारा प्रचार प्रसार करता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है समाज में जागरूकता की, तो हम लोग सड़कों पर भी निकलते हैं और धरना प्रदर्शन करके भी हम जागरूकता का करते हैं। खासकर समर जब वेकेशन आता है तो बच्चियों को हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सशक्त करने के लिए उनको हम लोग ये जो वेकेशनल कैंप होते हैं उनका भी आयोजन बेटी रक्षा मंच के द्वारा किया जाता है। क्योंकि बेटी रक्षा मंच एक सामाजिक संस्था है, तो जो समाज के हित में है और समाज के सहयोग से ही हम लोग उन कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। बाल कल्याण समिति एक संवैधानिक संस्था है, जो हमारे देश के कानून है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके द्वारा उसको निर्माण किया गया है, और प्रत्येक प्रदेश के हर जिले में बाल कल्याण समिति का गठन किया जाता है, जो उस स्टेट के राज्यपाल के नोटिफिकेशन के द्वारा उनकी पदस्थापना होती है। और वो समिति एक न्यायपीठ की तरह कार्य करती है, जो 5 सदस्य होती है, और प्रत्येक सदस्य को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त होती है। और ये जो न्यायपीठ है बालकों के लिए हम लोग एक जेंडर फ्री वर्ड है, इसमें बालक और बालिका दोनों शामिल है, कि हितों की रक्षा करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए ये बाल कल्याण समिति जिले में कार्य करता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो PCPNDT एक्ट है, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि अगर कोई प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण कराता है तो जो परीक्षण कर रहा है उसके लिए क्या प्रावधान है, और जो परीक्षण करवा रहा है उसके लिए क्या प्रावधान है? ये जो कानून बना है ये इसका मूल उद्देश्य यही है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा अपना जन्म ले सके, उसको जीवन जीने का अधिकार मिले, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। इस कानून में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर लिंग चयन की मानसिकता लेकर किसी के पास जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई ज्योतिषी हो, चाहे कोई पंडित हो, जो आपने पहले सुना होगा कि पहले वो आशीर्वाद देते थे, आज इस कानून ने उस पर भी प्रतिबंध लगाया है कि आप ये मानसिकता लेकर ही नहीं जा सकते हैं कि आप हमें ये लड़का चाहिए, ये हमें लड़की चाहिए। तो जो टेक्नोलॉजी बनी है वो टेक्नोलॉजी बनी है हमारे स्वास्थ्य के परीक्षण करने के लिए, और उसमें अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उसका इलाज किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे समाज का, कि हम में से ही कुछ लोग चंद पैसों के लालच में आकर अपने मन की चीजें करवाना चाहते हैं, तो वो समाज के ही व्यक्ति होते हैं जो चलकर जाते हैं, ऐसी जगहों का पता लगाते हैं, ऐसे संस्थानों को पता लगाते हैं जहां लिंग चयन हो सकता है, और ऐसे ही समाज में डॉक्टर्स भी हैं जो लिंग चयन करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा कहीं भी हो, कराने वाला ना हो तो भी लिंग चयन नहीं होगा, और करने वाला भी ना हो तो भी लिंग चयन नहीं होगा। तो जब दोनों ये मानसिकता मिल जाती है और उसमें व्यावसायिक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि नियमानुसार फीस बहुत कम होती है, लेकिन जब गैरकानूनी काम होते हैं तो फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मनमानी हो जाती है, जिसके कारण से ये कानून सब पर प्रतिबंध लगाता है। ये कानून बेसिक रूप से उन डॉक्टर्स को जो सोनोग्राफी करते हैं, या ऐसी टेक्नोलॉजी का जिसको हम लोग आजकल कहते हैं टेस्ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इनफर्टिलिटी सेंटर्स चलाते हैं, उन सबको ये कानून ये कहता है कि सिर्फ आप मेडिकल साइंस की रिक्वायरमेंट के ही कार्य कीजिएगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे लिंग चयन होगा
और अगर लिंग चयन होगा और आप उसको किसी को बताते हैं तो ये कानून उसको प्रतिषेध करता है, जिसमें सजा का प्रावधान है, 3 साल तक की सजा होती है, और अगर व्यक्ति कराने जाता है तो उसको 5 साल तक की भी सजा हो सकती है। अगर डॉक्टर करता हुआ पाया जाता है और कानून के ट्रायल में कोर्ट से अगर वो सिद्ध होता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है पहले निलंबित किया जाता है, और उसके बाद अगर दोबारा फिर इसी तरह के प्रकरण में लिप्त पाया जाता है तो उसको परमानेंट निरस्त भी किया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नियम तो कड़े हैं लेकिन उसके बाद भी ये सब कुछ होता है, क्या लगता है आपको कहाँ चूक हो जाती है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं तो चूक हो रही है। तो इसमें सबसे पहले जो मुझे समझ में आता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की है, और समाज में हम सब लोग आ जाते हैं। जिनकी जिम्मेदारी कानून को पालन कराने की है वो भी समाज का हिस्सा है, जिन पर कानून लग रहा है जिन्हें खुद पालन करना चाहिए वो भी समाज का हिस्सा है, जो डॉक्टर्स हैं जो ये कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा वो भी समाज के ही व्यक्ति हैं, उनको भी समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये एक सामाजिक समस्या है और हर व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। अब रही बात कानून की, कानून में गुंजाइश ये है कि कानून बहुत सख्त बनाए गए हैं। इसमें बिल्कुल नियम ये है कि कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है अगर अगर मालूम हो रहा है कि ये व्यक्ति है जो लिंग चयन कराना चाहता है, उसकी भी शिकायत हो सकती है। उसको अगर ये पता चल जाता है कि ये डॉक्टर है ये लिंग चयन करते हैं, उनकी भी शिकायत हो सकती है। ये पता चल जाता है कि ये संस्थान है जो लिंग चयन करता है, उनकी भी शिकायत हो सकती है। तो ये कानून ऐसा बना हुआ है कि सिंपल है कि एक शिकायत हो सकती है, शिकायत किसी भी माध्यम से हो सकती है, वेबसाइट पर भी की जा सकती है, फ़ोन कॉल के द्वारा भी की जा सकती है, ईमेल के द्वारा भी की जा सकती है, पत्र के द्वारा भी की जा सकती है। और ये शिकायत करने का बहुत सामान्य सा तरीका है कि हर ज़िले में कानून के मुताबिक PCPNDT एक्ट के मुताबिक एक जिला सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश में हर जिले में कलेक्टर को ही जिला सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। तो धारा 28 इस एक्ट की कहती है कि एक साधारण सा आवेदन देना होता है, उसमें आपके पास जो तथ्य हैं वो उनसे अवगत करा दें कि ये मेरी जानकारी में और मैं चाहता हूँ इन पर ध्यान दिया जाए और इन पर इस पर कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, कई बार हम सुनते हैं कि सर अधिकारी सुनते नहीं है, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि सर उनकी मिली भगत रहती है, आपस में एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इस कानून की एक और खूबसूरती है कि इसमें एक और प्रावधान दिया हुआ है कि वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक संस्था का सदस्य हो या सामान्य व्यक्ति हो, वो 28 के अंतर्गत 1B में वो एक नोटिस देता है कलेक्टर को कि आप 15 दिन में कार्रवाई कीजिएगा, अगर आप नहीं कार्रवाई करते तो मैं सीधे न्यायालय में जाकर कार्रवाई के लिए परवाद लाऊंगा। और वो बाध्य करता है अधिकारी को, सक्षम अधिकारी को उस पर कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करता है तो व्यक्ति सीधे जाकर परवाद प्रस्तुत करता है और वो केस रजिस्टर्ड हो जाता है और वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा की जाना चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा पूरे संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। शायद आप एक संस्था के आप प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, इसलिए कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक भी है, क्योंकि ज़रूरत शिकायत करने की नहीं है, ज़रूरत खुद अधिकारियों को कार्रवाई करने की है। एक अपराध है और एक ऐसा अपराध है जो समाज को गर्त में ले जा रहा है, और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन स्वयं आगे आकर, किसी की शिकायत का इंतजार ना करते हुए प्रशासन स्वयं आगे आए और स्वयं आगे आकर ऐसे मामलों में कार्रवाई करे। प्रशासन चूंकि अपराध है, पुलिस का मुखबिर तंत्र बड़ा सक्रिय रहता है, पुलिस को जानकारी रहती है पूरी कि कहाँ क्या हो रहा है, अपने मुखबिरों के जरिए जानकारी लगा सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है। दीक्षित जी, अभी आपसे हमने इन सारी मुद्दों पर बातचीत की, अगर शहर के ताज़ा घटनाक्रम पर नज़र डालें तो अभी पिछली 21 जून को शहर में जो जघन्य घटना हुई, एक अपराध हुआ, उसने पूरे शहर को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक 6 साल की मासूम बच्ची एक दरिंदे की दरिंदगी का शिकार होती है, उसकी हत्या हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है। समाज के लिए एक बहुत बड़ा आईना है
कि हमारे ही बीच में एक ऐसी मासूम बच्ची जो एक परिवार का हंसता खिलखिलाता हुआ फूल थी और एक व्यक्ति के द्वारा जिसकी मानसिक कुंठाएं ऐसी थी जिसके कारण से उस बच्ची को अकाल रौंद दिया गया और हम सबको पूरे समाज को दुख के समुद्र में धकेल दिया गया। यहाँ पर भी बात वहीं आती है कि हमें सामाजिक रूप से इन सब चीज़ों के लिए जागृत होना पड़ेगा। जिन पर अपराध होता है वो भी सामाजिक प्राणी होते हैं, जो अपराध करते हैं वो भी सामाजिक प्राणी होते हैं। आवश्यकता सिर्फ ये है कि हमें अपने तंत्र में और अपने समाज में संवेदनाओं को पुनः स्थापित करना होगा। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हमें क्या लेना देना है। मेरा ऐसा मानना है कि समाज में सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों के कारण होता है कि जो लोग संपन्न हैं, सक्षम हैं समाज हित में कार्य करने के लिए, लेकिन वो चुप रह जाते हैं और कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग कामयाब हो जाते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं वो अपनी कुंठाओं को, अपनी ऐसी कुचेष्टाओं को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वो सक्षम लोग जो हैं वो चुप रह जाते हैं, उन्हें देखा और अनदेखा कर देते हैं। अगर सभी लोग जागरूक हों तो ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जो अपराधी है, जो आरोपी पकड़ा गया है, आप क्या चाहेंगे उसको किस तरह से सजा मिली, और आपकी जो संस्था है बेटी रक्षा मंच, इस दिशा में क्या प्रयास करेगी? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया। सबसे पहले जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि पुलिस प्रशासन ने शीघ्रता से तत्परता से कार्रवाई की, इस पूरी घटनाक्रम को उन्होंने तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, एक आरोपी को उन्होंने अरेस्ट किया, कोर्ट के सामने पेश किया। चूँकि उसमें पॉक्सो एक्ट लगता है और पॉक्सो एक्ट हमारे बाल कल्याण समिति में भी उसका एक हिस्सा हम लोग डील करते हैं। बच्चे के लिए अगर वो बच्ची जीवित रहती तो निश्चित ही वो हमारे यहाँ आती और हम उसका वेलफेयर के बारे में बाल कल्याण समिति उसके हकों की रक्षा करने के लिए कुछ तय करती। दुर्भाग्य है कि वो बच्ची जीवित नहीं है इसलिए, लेकिन जब पॉक्सो एक्ट लगता है तो पॉक्सो एक्ट में 12 साल से कम बच्ची पर अगर अपराध होता है, इस तरह का जो घृणित अपराध हुआ है उसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है। और मुझे विश्वास है कि हमारा जिला प्रशासन, हमारा पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी से और कानूनी रूप से सटीक उसकी जांच करेंगे, तथ्यों को सबूतों को इकट्ठा करेंगे और न्यायालय में पेश करेंगे। और अगर इतना जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को उसके अपराध के हिसाब से न्यायालय जरूर सजा देगा। बिल्कुल दीक्षित जी, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की बेटी संरक्षण के ऊपर और बाल संरक्षण के ऊपर भी हमने आपसे बहुत सारी बात की। चलते चलते आप शहरवासियों को जो इस समय SKS न्यूज़ देख रहे हैं, खास मेहमान देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं SKS न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को सहभागिता का अधिकार जरूर दें। आजकल हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में 18 साल से बच्चे जो कम हैं वो स्कूलों में रहते हैं। हम लोग स्वयं जाकर, हमारी संस्था गुड टच बैड टच के बारे में बात करती है। हर माँ बाप से मेरी दरख्वास्त है, जब बच्चा स्कूल से घर आता है उसको कम से कम आधे घंटे का समय दीजिएगा, स्कूल की हर एक्टिविटी के बारे में उससे पूछिएगा। और पूछिएगा ऐसे नहीं, प्रश्न क्वेश्चन की तरह नहीं पूछिएगा, बातचीत कीजिएगा, उसकी बातों में आनंद का एहसास कीजिएगा, खुद लीजिएगा और उसको एहसास कराइएगा। ये बहुत आवश्यक है कि बच्चा प्रतिदिन की जानकारी आपको दे। अगर प्रतिदिन बच्चा आपको जानकारी दे रहा है कि स्कूल में क्या हुआ, कोचिंग में गया तो वहाँ क्या हुआ, इवन खेल मैदान में गया अगर वहाँ क्या हुआ, तो आपके बच्चे निश्चित ही सुरक्षित हैं। उन व्यक्तियों को ये मैसेज मिलता है कि ये पेरेंट्स जागरूक पेरेंट हैं, इन्हीं बच्चों के साथ हम ऐसी कोई घटना नहीं घट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बाकायदा लेखी करते हैं, वो भी पूरे आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। जब उनको लगता है कि ये बच्चा मेरा आसान शिकार बन सकता है, सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, तब जाकर उस पर घटना करने का प्रयास करते हैं। तो मैं सभी माता पिता से ये कहना चाहता हूँ, बच्चे हमारे देश की अमूल्य धरोहर हैं, आप उनको समय दें और क्वालिटी टाइम दें। जरूरी नहीं कि आप घंटों बात करें, लेकिन 15-20 मिनट बात करें तो ऐसा लगे
बच्चे को भी लगे और आपको भी लगे कि एक दूसरे के साथ मिलकर बात हो रही है, तभी इस तरह की घटनाओं पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी आपका, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए। तो आज हमारे साथ खास मेहमान में मौजूद थे बाल कल्याण समिति जिला ग्वालियर के अध्यक्ष और बेटी रक्षा मंच के संरक्षक डॉक्टर के दीक्षित। खास मेहमान में आज के लिए ही इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें SKS न्यूज़ के साथ।